वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस लाइट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो आज का ये वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे 12 वोल्ट वाली सिंगल कलर पिक्सल को 12 वोल्ट 5 चैनल चेसर के थ्रू रनिंग करा सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो जो है आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं इन सभी पिक्सल को रनिंग कराने के लिए इस चेसर का यूज करूँगा, ठीक है। ये जो चेसर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 12 वोल्ट का चेसर है और ये 5 चैनल का चेसर है। दोस्तों आप लोग के मन में ये तो सवाल ज़रूर आएगा कि इस चेसर से हम लोग कितना पिक्सल एलईडी को जला सकते हैं। तो इस चेसर से दोस्तों आप लोग जो है एक चैनल पे 8 से 10 पिक्सल को आसानी से चला पाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 5 चैनल पर आप 50 पिक्सल चला सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप क्या कीजिए, पर चैनल पर 8 पिक्सल से ज़्यादा मत चलाओ, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा पिक्सल का लोड दे देंगे तो ये जो ट्रांजिस्टर लगा होता है दोस्तों वो हीट हो जाता है और हीट होकर ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक चैनल पे 8 पिक्सल से ज़्यादा ना चलाएं। अब दोस्तों आप लोग के मन में दूसरा सवाल आएगा कि इस चेसर पे हम लोग कौन सा SMPS का यूज करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए जब भी ये चेसर चलता है तो एक समय में 2 ही चैनल काम करता है। देखिए हर बार क्या हो रहा है, 2 LED रनिंग कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमेशा क्या होगा, 2 चैनल ही काम करेगा। अब दोस्तों क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे कि यहाँ पे पिक्सल का कनेक्शन कीजिएगा, अगर सभी चैनल पे आप 1-1 करके पिक्सल लगाएंगे यानी कि टोटल 5 पिक्सल आप लगाओगे तो वह एक टाइम में क्या होगा, 2 ही पिक्सल चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम आपको 2 एम्पियर का एडाप्टर का यूज करना होगा। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि आप एक चैनल पे 2-2 पिक्सल चला सकते हैं, तो उस समय टोटल आपका 10 पिक्सल चलेगा, लेकिन एक टाइम में 2 चैनल आपका वर्क करेगा। यानी कि एक टाइम में आप टोटल 4 पिक्सल यहाँ पे चलने वाला है। तो उस समय क्या करना होगा, आपको 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ड्राइवर या फिर SMPS का यूज आप कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन में यहाँ पर होगा दोस्तों, थर्ड कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप कि सभी चैनल पे 5-5 पिक्सल आप चलाओ, ठीक है। तो उस समय भी क्या होगा, टोटल आपका 25 पिक्सल चलेगा, लेकिन एक टाइम में तो दोस्तों आपका टोटल जो है 10 पिक्सल ही चलने वाला है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 12 वोल्ट 10 एम्पियर का SMPS का यूज करना है। दोस्तों यहाँ पे फोर्थ कंडीशन होने वाला है कि आप सभी चैनल पे 8 से 10 पिक्सल का यूज करके चलाएंगे, तो उस समय क्या होगा, टोटल आपका 40 से 50 पिक्सल चलेगा। तो उसके लिए आपको मिनिमम दोस्तों 20 एम्पियर से ऊपर का SMPS का यूज करना है। तो उसके जगह पे दोस्तों आप ये 12 वोल्ट 33 एम्पियर वाला SMPS का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे कनेक्शन किस टाइप से करना है। तो सबसे पहले कनेक्शन जो है दोस्तों इस चेसर का करना होगा। तो चेसर में देख सकते हैं एक पॉजिटिव वायर है और एक नेगेटिव है, रेड कलर वाला पॉजिटिव है, ब्लू कलर वाला नेगेटिव है, ठीक है। इसे क्या करेंगे हम लोग SMPS के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आउटपुट होगा दोस्तों, वो है ये ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से देख सकते हो दोस्तों ये 5 आउटपुट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये जो आउटपुट है दोस्तों ये क्या है, पॉजिटिव आउटपुट है। यानी पिक्सल का जितना भी पॉजिटिव वाला वायर होगा उसे ट्रांजिस्टर के साथ हमें जोड़ देना है, और पिक्सल का जो नेगेटिव वाला वायर होगा उन सभी को एक साथ कॉमन करके, याद रखना है सभी को कॉमन करके SMPS के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। दोस्तों कनेक्शन करने के पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि पिक्सल में पॉजिटिव वायर कौन है और नेगेटिव वायर कौन है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये जो व्हाइट वाला वायर है, दोनों तो व्हाइट ही एक तरह से दोस्तों, लेकिन ये क्या है, व्हाइट वायर के ऊपर एक ग्रीन कलर का पट्टी नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव वायर होगा, और देख सकते ये प्योर व्हाइट है, चारों तरफ से व्हाइट है, ये क्या होगा, नेगेटिव वायर होगा। उसी टाइप से देख सकते हैं दोस्तों कुछ कुछ पिक्सल में चेंज भी होता है। ये देख सकते हैं ये पूरा व्हाइट है, ये पूरा क्या है, येलो है, ठीक है। येलो वाला जो वायर होगा वो पॉजिटिव होगा और व्हाइट वाला वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे सभी पिक्सल को 12 वोल्ट 5 चैनल के SMPS के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। इसका देख सकते हैं दोस्तों ब्राइटनेस कितना अच्छा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, पैटर्न भी चेंज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या दिखाता हूँ कि इसका जो स्पीड है उसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 5 चैनल का चेसर है वहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ है, ठीक है। उस प्रीसेट को घुमा करके दोस्तों आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पीड दोस्तों ज़्यादा हो चुका है ना। इस प्रीसेट को घुमा करके हम लोग स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 पिक्सल को चलाया है। 10 पिक्सल को चलाने के लिए आप 12 वोल्ट 5 एम्पियर का एडाप्टर का यूज कर सकते हैं। एडाप्टर में दोस्तों ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव वायर होता है, उसमें आपको कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एसएमपीएस से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से आपको पिक्सल का कनेक्शन करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इस एसएमपीएस में टोटल आपको 9 पोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो 2 पोर्ट होता है दोस्तों, है ना, वो हमारा एसी सप्लाई का पोर्ट होता है, और जो हमारा ये 3rd पोर्ट है दोस्तों, ये क्या है, ग्राउंड का वायर है, ठीक है। इसी टाइप से राइट साइड से 1st, 2nd और 3rd जो 3 पोर्ट है दोस्तों, ये पॉजिटिव है, और 4th, 5th और 6th यानी कि ये तीनों पोर्ट जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चेसर का कनेक्शन किस टाइप से किया है। चेसर के पॉजिटिव वाले वायर को एसएमपीएस के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया है, और चेसर के नेगेटिव वाले वायर को एसएमपीएस के नेगेटिव से कनेक्शन कर दिया गया है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर सभी पिक्सल का जो वायर है किस टाइप से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए, आप सभी पिक्सल का नेगेटिव वाले वायर को कॉमन कीजिए, ठीक है। तो कॉमन करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर को यूज कर रहा हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो पिक्सल है, ये पिक्सल का दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वाले वायर को मैंने कॉमन कर लिया है और ग्रीन कलर का वायर से जोड़ दिया है। उसी टाइप से दोस्तों आप जैसे ही आगे आएंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, दोनों नेगेटिव वायर को कॉमन करके ग्रीन कलर के वायर से जोड़ दिया गया है। और इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पिंक जो एलईडी हमारा है, यहाँ पर भी दोनों को कॉमन किया है नेगेटिव वाले को, और ग्रीन कलर के वायर से मैंने जोड़ दिया हूँ। और इसी टाइप से ब्लू कलर के जो झालर है, यानी कि जो ब्लू कलर का पिक्सल है, वहाँ पर मैंने दोनों नेगेटिव को कॉमन करके ग्रीन कलर से जोड़ दिया हूँ। और उसी टाइप से ग्रीन कलर का पिक्सल में भी दोनों नेगेटिव वायर को कॉमन करके ग्रीन कलर का वायर से जोड़ दिया हूँ, ठीक है। और जो वो वायर जो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा वायर आया उसे मैंने क्या किया है, ऐसे पेस के नेगेटिव में ले जा करके जोड़ दिया हूँ। दोस्तों इन सभी पिक्सल में जो आप देख रहे हैं, मैंने अभी कॉमन के लिए ग्रीन कलर का वायर लिया हूँ। अगर आप टोटल 5-10 पिक्सल चलाएंगे तो यहाँ पर 14, 36 या 23, 76 पतले वाले वायर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 15, 20, 30 पिक्सल चलाएँगे और अगर आपका पिक्सल का बीच का डिस्टेंस दूरी है, तो उस समय आप मिनिमम 1 mm या फिर 1.5 mm वायर का यूज करेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो यह 12V 5 चैनल का चेसर है, उसमें टोटल 5 चैनल है। सभी चैनल का कनेक्शन कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये दो हमारा जो पिक्सल दिख रहा है, इसको पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिया हूँ, उसे रेड कलर के वायर के साथ जोड़ दिया हूँ, और उस रेड कलर वाले वायर को मैंने यहाँ पर 1st चैनल से यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं वाइट कलर वाला जो पिक्सल है, उसका दोनों पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिया हूँ, और उसके साथ रेड कलर का वायर जोड़ दिया हूँ, ठीक है। और उस वायर को ला करके चेसर के 2nd चैनल से जोड़ देना है, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों आपको क्या करना है, 3rd जो हमारा पिक्सल है, यानी कि 3rd चैनल जो है, वहाँ पर 2 पिंक कलर का झालर है, उसका पॉजिटिव को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, और उस पॉजिटिव से वहाँ से एक वायर लाना है रेड कलर का, या जो भी कलर का आप ले सकते हैं, उसे 3rd चैनल से जोड़ देना है, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों आपको 4th चैनल का कनेक्शन और 5th चैनल का कनेक्शन करना है। दोस्तों अगर आपको इन सभी पिक्सल में से कुछ परचेज करना है, जैसे कि एसएमपीएस हो गया और ये हमारा हो गया पिक्सल, ये सब में से अगर आपको कुछ भी परचेस करना है तो आप हमसे परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट वेबसाइट पर विजिट करके परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ के परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।